द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक बिग डिसीजंस, जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, सो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए अभी कुछ सालों में टॉप एमएनसीज के थ्रू. यस, मास ले ऑफ हुआ एंड वो भी इतने ऐसी ऐसी सिचुएशन में लोगों के साथ कि किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, किसी की प्रेगनेंसी लीव है, किसी के इन द मिडल ऑफ मीटिंग. तो मैम आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज दे विल बी लाइक बहुत डिप्रेस्ड होंगे, स्कैर्ड होंगे कि आगे क्या होने वाला है. ट्रू. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो यू नो इसको पहले तो पर्सनली मत लीजिए, आई बिलीव, क्योंकि जस्ट बिकॉज ले ऑफ हुआ है या यू आर आस्क्ड टू गो, इसको इट इज़ नॉट बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिटैच कर लीजिए कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कंपनी की है. एंड कंपनी में भी अगर ये डिसीजन लिया है तो इसलिए लिया है बिकॉज दे आर अनेबल टू नाउ केटर टू अ बिगर वर्क फोर्स. सैलरीज पे करनी है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे यू नो चेंजेस आ चुके हैं विच द कंपनी कैन नॉट मैनेज. तो ले ऑफ का डिसीजन बड़ा डिसीजन होता है, बट उसके पीछे कारण यही होते हैं कि कंपनी अब उस पोजीशन में नहीं है, उस स्टेटस में नहीं है कि वो इतने बड़े वर्कफोर्स को मैनेज कर सके फिनेंशियली, उसका एक्सपेंस और बर्डन उठा सके. एंड देन समटाइम्स आपके फोकस चेंज हो जाता है, यू नो आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, आप एक काइंड ऑफ एंटिटी या एक वर्टिकल को बंद करना चाहते हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है. बट येस, फॉर दोज जिनके ऊपर ये बीतती है, लाइक बीइंग एन एचआर, आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिसीजंस, तो इट्स नॉट ईजी. सो सबसे पहले है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट टेक इट पर्सनली. नंबर वन, आप देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, यू नो एवरीथिंग यू हैव, यू वर अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉय, लेकिन येस अब ये हो चुका है. तो अब इस टाइम को यूज़ कीजिए टू नाउ रिफ्लेक्ट ऑन वेयर यू वॉन्ट टू गो, क्या नया और नया क्या कर सकते हो, इसी लाइन में कंटिन्यू करना है या कुछ और करना चाहते हो. आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू नाउ रीथिंक कि फ्यूचर क्या होना चाहिए आपका. एंड फिर कंसल्ट कीजिए अपने पीयर्स के साथ और अपने कुछ ऐसे मेंटर्स के साथ जिनके साथ आपका यू नो नेटवर्किंग चल रही है, टेक देयर गाइडेंस ऑल्सो. सो अकेले डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू इमर्ज. आपको इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा एंड आप में वो है जो आप कर सकते हो. जैसे भी हर वक्त एक जैसा नहीं होता, अभी बुरा है तो आगे जाके अच्छा ही होगा.